ग्वालियर की ये घटना दरिंदगी की हद पार कर देने वाली है। क्या कोई पति अपनी पत्नी को अपने देवरों तथा रिश्तेदारों के साथ सोने के लिए मजबूर कर सकता है? यकीनन नहीं। लेकिन आज की घटना सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। बहोड़ापुर के रहने वाली एक युवती का निकाह 3 साल पहले हुआ था। निकाह के 3 माह बाद से ही उसका पति उसके साथ अननेचुरल सेक्स करने लगा। जब महिला ने विरोध किया, शोर मचाया, तो उसकी सास और देवर भी वहां आ गए और उसे चुप रहने के लिए धमकाया। इसके बाद से पति के साथ साथ 2 देवर भी उसके साथ गलत काम करने लगे। जब वह विरोध करती तो उसे बुरी तरह से मारा पीटा जाता। वह बदनामी के डर से चुप रही तो आरोपियों के हौसले और बढ़ गए। इसके बाद अब हर दूसरी रात कभी पति तो कभी उसके देवर उसके साथ गलत हरकत करने लगे। अब पति अन्य रिश्तेदारों को भी बुलाकर अपनी पत्नी के साथ बार बार दुष्कर्म करवाने लगा। 1 साल पहले वह किसी तरह हिम्मत जुटाकर थाने पहुंची थी। इसका पता चलते ही पति और देवर थाने जा पहुंचे और अब से कोई गलत काम नहीं करने का वादा कर समझा बुझाकर उसे बिना शिकायत किए घर ले आए। घर लाकर पति उसे एक किराए के कमरे में लेकर गया और यहाँ पति और दोनों देवरों ने शराब पीकर उसके साथ गैंगरेप किया। महिला जब विरोध करती तो पति कहता कि देवरों के साथ संबंध बनाओगी तभी तो हमारा वंश आगे बढ़ेगा। आखिरकार तंग आकर महिला मंगलवार 17 मई को बहोड़ापुर थाने पहुंची और रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने पति, देवरों तथा अन्यों के खिलाफ गैंगरेप व अन्य धाराओं में मामला दर्ज कर लिया था। सभी आरोपी फरार थे। एएसपी सत्येंद्र तोमर ने कहा है कि जल्दी ही आरोपियों की गिरफ्तारी हो जाएगी। अब यहां सवाल उठता है कि क्या ऐसे पति, देवरों और सास को एक सभ्य समाज में रहने का हक है? इस घटना के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अंत में दोस्तों, हमारा मकसद आपका मनोरंजन करना नहीं, आपको जुर्म के प्रति जागरूक करने का है। अगर आपको हमारा यह प्रयास पसंद है तो हमें लाइक और सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी अमूल्य राय जरूर दें।